गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आंसर ऑफ द टेंस टेस्ट टू इज टूडेज वर्ड्स वेयर आई एंड थिंक। मैंने दिया था आई और थिंक, दो दो वर्ड्स दिए थे, तो आपको उन्हें सारे बॉक्स में भरने हैं। जैसे आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ओके। आई अब वी टू होता है आई थॉट, मैंने सोचा। आई विल थिंक, मैं सोचूंगा। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था। आई विल बी थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँगा। आई हैव थॉट, मैं सोच चुका हूँ। आई हैड थॉट, मैं सोच चुका था। आई विल हैव थॉट, मैं सोच चुका होऊंगा। आई हैव बिन थिंकिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से सोच रहा हूँ। आई हैड बिन थिंकिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मैं सुबह से सोच रहा था, कल सुबह से सोच रहा था। आई विल हैव बिन थिंकिंग फ्रॉम मॉर्निंग, तो यहाँ पे टुमोरो लगा करके क्लियर करा है, तो टुमोरो आई विल हैव बिन थिंकिंग फ्रॉम मॉर्निंग, कल मैं सुबह से सोच रहा हूँगा। नेक्स्ट टेस्ट, नेक्स्ट टेस्ट में भी मैं इसी तरह से सिर्फ दो वर्ड दूंगी, आई ड्रिंक, ओके। तो मैं अभी आप लोगों को डिस्क्लोज कर रही हूँ, सभी बच्चों को लिखना है आई ड्रिंक से नए सेंटेंसेस बनाने, बिल्कुल इसी तरह से। तो आप इनके स्क्रीनशॉट रखिए या फिर इस वीडियो को आप लोग लिख के रखिए। ओके, और इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, और इसी तरह से यहाँ पे आपको, यहाँ पे जैसे मैंने आई ड्रिंक दिया है, तो आपको हिंदी भी लिखना है और इंग्लिश भी लिखना है। तो इस तरह से सारे बॉक्सेस में फिलअप करने हैं विथ पेंसिल, पेंसिल से लिखना है, और रेगुलरली टेस्ट इसी चार्ट में देना, इस तरह का चार्ट फॉर्म करके रखना है। जब ये चार्ट फिल हो जाए, तो अगर आपको महसूस हो कि जो आपने लिखा है सेंटेंसेस आपके काम के हैं, तो आप ये चार्ट अपने पास रखिएगा, अदरवाइज आप इरेज करके आप इसी में फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, नया टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू।